नहीं है, वो खुद के लिए। जैसे हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, हमारा वैभव है, उसमें सारे परिवार का हिस्सा है। मर्जी से नहीं दोगे तो वो कोर्ट से लेगा कि मैं इसका बेटा हूं और ये मुझे हिस्सा नहीं दे रहा है, मैं इसकी पत्नी और मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, मैं इसका भाई हूं और मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है। राजी बाजी से दोगे तो ठीक, नहीं तो कोर्ट से लेगा। नियम है ही उसका अधिकार, कोई गलती नहीं है। तो बाकी सारे चीजों में सबके हिस्से हैं, लेकिन ज्ञान वनली आपकी संपदा है, भक्ति वनली आपकी संपदा है, उसमें किसी का हिस्सा कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाप के पास चला जाए तो भक्ति आपकी है, ज्ञान आपका है, उसमें कोई हिस्सा नहीं, बाप नहीं बेटा नहीं। संत तुकाराम महाराज स्वर्ग को जाने लगे, उनकी पत्नी बड़ी विचित्र थी, उसका अधिकार नहीं था कि विमान पर स्वर्ग में जावे, वो इस अधिकार के लायक नहीं थी। फिर भी मन नहीं माना, तुकोबा ने कहा प्रभु कोई न कोई साथ में आवाज आई कि ले लो जितने बैठे, मैं क्या मना कर रहा हूं। वो सत्ता तो जानती है कि साधारण विमान में बैठने के लिए जिसका टिकट होगा उसी को बैठने को मिले, बस में बैठने के लिए तो इतने बड़े परमात्मा के विमान में कोई घर की बापूती है क्या? कोई भी बैठ जाएगा, चला जाए, कोई मुलाजा नहीं चलता वहां कि बापूजी स्वर्ग में चले तो हम सब स्वर्ग में जाएंगे, या तुम स्वर्ग में जाए तो बापूजी तुम्हारा गुरु है तो वो भी धीरे धीरे वसीला मार देगा। कुछ नहीं, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेला की करनी चेला, एक डाल दो पंछी बैठ्या, कौन गुरु कौन चेला, जिसके उसके रास्ते जाओ, वहां मुलाजा नहीं, नो अग्रीमेंट, वहां भ्रष्टाचार भी नहीं चलता। यहां भ्रष्टाचार चलता है तो ये बातें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती, कम ज्यादा हो जाती, कम ज्यादा कर लो, अपना आदमी है। अब वहां तो है ही नहीं, वहां तो गुंजाइश ही नहीं है, नो अग्रीमेंट, वहां क्या करो। इसलिए शुद्ध बुद्ध योगी, समताधारी, ज्ञान ध्यान मन भारी, ये हमारी अपनी कमाई है, ज्ञान ध्यान। इसलिए ज्ञान कमाओ सबसे ज्यादा, इंजीनियरिंग का ज्ञान कमा लोगे कोई हरकत नहीं, अच्छा है, दाल रोटी कपड़ा मकान ठीक से चलेगा, गाड़ी लाड़ी ठीक से मिल जाएगी। डॉक्टरी का ज्ञान कमाओगे तो भी ये चीजें मिल जाएगी, ठेकेदार बन जाओगे ये चीजें मिल जाएगी, पैसे वाले बन जाओगे ये चीजें मिल जाएगी, पर बिना आत्मसमर्पण किए, बिना अहंकार त्यागे, बिना ईश्वर से आस्थावादी हुए, बिना श्रद्धा को जगाए, बिना गुरुओं के चरण चूमे, बिना शास्त्र के सामने नाक रगड़े, ज्ञान मिलने वाला नहीं है। और वो कौन सा ज्ञान? अध्यात्म नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो नित्य टिकने वाला, ये बाकी सारा ज्ञान इधर फुस हो जाने वाला है, ये जीवन पर्यंत है, जीवन गया कि जय सियाराम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ज्ञानार्थ तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, जो तत्व का दर्शन करा दे वो अध्यात्म ज्ञान नित्य टिकने वाला है। आत्मा को 50 जन्म लेने पड़े वो ज्ञान कभी जाएगा नहीं। शुद्ध बुद्ध योगी रे समताधारी, ज्ञान ध्यान मन भारी, समताधारी ज्ञान ध्यान मन भारी।
कर्म कलंक को दूर करी कासी, कर्म कलंक को दूर निकासी, जीव करे शिव नारी आप स्वभाव में, अवधु सदा मगन में, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नाही, सत्संग करने नहीं आया था, घड़ी पर बैठ के आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए।